हर साल सावन मास में पूर्णिमा तिथि पर भाई बहन का यह पवित्र त्योहार मनाया जाता है। इस दिन बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बहन को उपहार देता है और जीवन भर बहन की रक्षा करने का वचन भी देता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार रक्षाबंधन के पावन पर्व को मनाने की शुरुआत माता लक्ष्मी ने की थी। सबसे पहले माता लक्ष्मी ने ही अपने भाई को राखी बांधी थी। आइए जानते हैं रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। धार्मिक कथाओं के अनुसार जब राजा बलि ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांग ली थी। राजा बलि बहुत दानी राजा थे और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त भी थे। एक बार उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। इसी दौरान उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन का अवतार लेकर आए और दान में राजा बलि से 3 पग भूमि देने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने 2 पग में ही पूरी पृथ्वी और आकाश नाप लिया। इस पर राजा बलि समझ गए कि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे हैं। 3rd पग के लिए उन्होंने भगवान का पग अपने सिर पर रखवा लिया। फिर उन्होंने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकार करें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान ने भक्त की बात मान ली और बैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। उधर देवी लक्ष्मी परेशान हो गईं। फिर उन्होंने लीला रची और गरीब महिला बनकर राजा बलि के सामने पहुंची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात भगवान हैं, मुझे वही चाहिए, मैं उन्हें ही लेने आई हूं। इस पर बलि ने भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया। जाते समय भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीना चतुर्मास के रूप में मनाया जाता है, जो देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक होता है। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय।